थाना क्षेत्र अंतर्गत झरना टोला के पास चल रहे अवैध खनन की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद शुक्रवार को सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने खनन माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने खनन माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए मिट्टी लदा हुआ 3 ट्रॉली ट्रैक्टर बरामद किया। साथ ही वैधानिक कार्रवाई करते हुए मिट्टी लदी हुई ट्रॉली और ट्रैक्टर को सीज कर दिया गया। इस संबंध में सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने बताया कि अवैध खनन के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। आज उसी के क्रम में अभियान चलाया गया जिसमें 3 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को सीज किया गया है। इस दौरान उन्होंने स्थानीय चौकी प्रभारी को अवैध खनन पर शिकंजा कसने के लिए निर्देशित भी किया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने कहा, देखिए झरना टोला जो कि शाहपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत पड़ता है, वहाँ पे कई दिनों शिकायत मिल रही थी कि बिना परमिशन के ट्रैक्टर ट्रॉली जो है वो मिट्टी खनन करके ले जाते हैं। तो उसी क्रम में औचक छापेमारी की गई और मौके से 3 ट्रैक्टर जिसमें मिट्टी लदी हुई थी इसको बरामद किया गया है और उस पर अग्रेसर विधिक कार्रवाई की जा रही है। स्थानीय चौकी को सस्पोर्ट कर दिया गया है और तहसील की टीम को भी अवगत करा दिया गया है और आगे भी इस तरह निरीक्षण और छापेमारी की जाएगी और किसी भी प्रकार से अवैध खनन करने नहीं दिया जाएगा और कोई भी अवैध खनन करेगा उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, जो लोग इस अवैध खनन करा गए थे उनके खिलाफ इसमें कार्रवाई की जा रही है? देखिए स्थानीय लेखपाल और तहसील प्रशासन द्वारा इस बारे में जानकारी इकट्ठा की जा रही है कि ये ट्रैक्टर ट्रॉली किसका है और किस जगह से मिट्टी निकाली गई है और कहाँ इसको डंप किया जा रहा था, तो इन सब बारे में सूचना निकाली जा रही है और इस पर विस्तृत जाँच करने के उपरांत अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी।